हे देयर एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इटियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का डिफिनेशन और उसका पैथोजेनेसिस बताया था। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी की। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर पैथोफिजियोलॉजी पूछा जाए आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो उसमें आपको सब लिखना पड़ जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड हर एक मटेरियल या हर एक टॉपिक मिल जाता है। और अगर कोई टॉपिक इस पे नहीं होता है तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है जो हम बताने वाले हैं इटियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस का, ये वीडियो मैंने केवल एक ओवरव्यू बनाया है, जहाँ पर आपको मैं डीप में कुछ नहीं समझाने वाला हूँ। मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि ये किस वजह से होता है। अगर इसको आपको डीप में समझना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो डीपली हर एक पॉइंट को इलेबोरेट करता चला जाएगा। या फिर ये कहा जाए कि अगर मान लीजिए आपके 8 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो आप इटियोलॉजी में ये जो कंटेंट्स हैं इनको आप आराम से लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर उठेंगे। मगर अगर स्पेशली पूछा गया इटियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तब आपको इसको डिफाइन करके लिखना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, देयर आर मेनी फैक्टर दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हमें होती है। जनरली ऑल द रिस्क फैक्टर दैट कैन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। मतलब दो ग्रुप में बांटा गया है सारे फैक्टरों को जिसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। उन फैक्टर्स को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप का नाम है मेजर रिस्क फैक्टर और दूसरा माइनर रिस्क फैक्टर। ठीक है, पहला मेजर और दूसरा माइनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर रिस्क फैक्टर की। ये जो मेजर रिस्क फैक्टर है, इसमें अगेन दो टाइप के फैक्टर होते हैं। पहले को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर, और दूसरे को कहा गया अक्वायर्ड रिस्क फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर जो होते हैं, ये हमको अक्सर करके घर वालों से मिलते हैं, जेनेटिक्स। और जो एक्वायर्ड होता है वो हम खुद अपने से पैदा करवाते हैं अपने शरीर में। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये एक्वायर्ड में आती हैं। तो जो सबसे पहले मैंने बोला मेजर रिस्क फैक्टर, मेजर रिस्क फैक्टर को दो लोग इंक्लूड करते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर और दूसरा है एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला फैमिलियल एंड रेशियल फैक्टर्स, दूसरा एज, तीसरा सेक्स और चौथा जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, फैमिलियल एंड रेशियल फैक्टर्स से हमारा समझिए आप रेशियल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। जो ब्लैक रेस मतलब काले इंसान जो होते हैं, उन लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम होते हैं, जबकि जो वाइट इंसान होते हैं या फिर जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एज की अगर हम बात करते हैं तो समय के साथ साथ जो लीजन होता है या जो घाव होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, ये बढ़ता चला जाता है। सेक्स की अगर हम बात करते हैं तो औरतें जो होती हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस कम रहता है एज़ कम्पेयर टू मैन। आदमी जो होते हैं इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक फैक्टर, आपको घर परिवार के द्वारा किसी कारण से एथेरोस्क्लेरोसिस आपके शरीर में हो जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर जो आता है हमारे मेजर रिस्क फैक्टर में, उसको कहा गया एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, ये एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं इनको हम खुद डेवलप कराते हैं अपने बॉडी में किसी कारणवश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, वाइल द एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर एज फॉलोइंग, ये फॉलोइंग जो हैं ये एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला है हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो हैं इन चार चीज़ों के वजह से भी हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और इन चारों को कलेक्टिवली कहा गया एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स। और वहाँ पर हमारा जो मेजर रिस्क फैक्टर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आता है सेकेंड, माइनर रिस्क फैक्टर्स। माइनर रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब माइनर से हमारा ये मतलब है कि ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकते हैं, मगर बहुत कम पैमाने पे ही ऐसा होता है कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करें। यहाँ पे आया द माइनर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ओबेसिटी, यूजर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। इन पांचों के वजह से क्या होता है, हमको एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस रहता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इटियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस का वीडियो इससे बड़ा चाहिए, जैसे कि उसमें आपको हर एक पॉइंट जो है वो
डिफाइंड हो, जैसे यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने की वजह से कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर जो अभी हमने मेजर बताया डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, रेशियल फैक्टर्स, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके अपना वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का।